न्यूज वन में मौजूद हूँ और इस वक्त सबसे पहले मैं जिनसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि हम वुमेन डे के ऊपर बात कर रहे हैं औरतों के हवाले से, और सियासत की जब बात आती है तो औरतों का बहुत किरदार बड़ा स्ट्रांग है। मेरी फेवरेट शख्सियत में नज़ीर साहिबा शहीद, और वो शख्सियत ऐसी है कि सारी पार्टियां इत्तेफाक करती होंगी कि सियासत को आप जाओ जो मर्जी नाम दें, लेकिन उस शख्सियत को हम 100 में से 100 नंबर देते हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ वो पार्टी की बहुत ही खूबसूरत, जो अपना इंट्रोडक्शन भी खुद कराएंगी और बताएंगी भी। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसी हैं डॉक्टर आप? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। जी मेरा नाम शाहिदा रहमानी है। मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा वीमेन पार्लियामेंट्री कोकस की हेड हूँ। इसके साथ ही इंडस्ट्री प्रोटेक्शन में फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ। और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ खवातीन का चूँकि शोबा मेरा अपना ख़ास है, और मुझे ये फ़ख्र है कि मेरी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हम सब खवातीन के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन के लिए, एक ऐसा रोल मॉडल है कि उनका हर हर किरदार एक नगीने की तरह नगीने की जुड़ा है। तरह है। और ये भी हमें एजाज़ हासिल है कि जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए किया, ग्रास रूट से लेके लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम हो, वीमेन पुलिस स्टेशन हो, फर्स्ट वीमेन बैंक हो, या इस तरह के जितने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, सब क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। और बिल्कुल जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जब जब मुश्किल वक्त पड़ता है उस वक्त खवातीन सफ़े अव्वल में खड़े बिल्कुल होती हैं, नज़र आती हैं। आप मोहतरमा फातिमा जिना के बगैर तहरीके पाकिस्तान को कामयाब नहीं देख सकते। इसी बेशक तरह जब एक डिक्टेटर अयूब खान आया तो मोहतरमा फातिमा जिना एक शीशा पिलाई दीवार की तरह आई। अच्छा शायद जी, आपकी बात को मैं थोड़ा सा यहाँ रोकते हुए से सवाल आपसे करना चाहूंगी। औरत का किरदार, जब हम घर से निकलते हैं तो औरत पे बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि हमें उस हर लिहाज से वो लोग नोट करते हैं, हमारे ऊपर टीचर भी आता है, हमें फेस भी करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ लड़कियों को, बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहे, सियासत पे एंकर बनना चाहे, कोई अच्छी फील्ड में आना चाहे, तो क्या मैसेज देगी, किस तरह मुकाबला किया जाए लोगों का? देखिए, मैं अपने बात का तसलसल वहीं रखूंगी कि जहाँ जहाँ मुश्किल होती है औरत वहाँ खूबसूरती के साथ उन मुश्किलात से निकालती है, ना सिर्फ मुल्क को, ना सिर्फ घर को, ना सिर्फ माशरे को, ना सिर्फ सोसाइटी को। तो मैं कहूँगी अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से, कि आप लोग हर रोल अपना प्ले करें माशरे की बेहतरी के लिए। क्योंकि जब तक खवातीन, आज हम जो माशी बहरान में, जब तक पाकिस्तान की 50% आबादी रखने वाली खवातीन शाना बशाना काम नहीं करेंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा ये कभी किसी चीज़ में आर महसूस ना करें। जिस तरह यूएन ने इस साल को टेक्नोलॉजी का साल दिया है, तो आप लोग टेक्नोलॉजी को अपनाएं और आएं, आगे बढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किरदार को, जिस तरह हम पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में अपनी कारकर्दगी की वजह से नंबर वन पे आते हैं, इसी तरह हम जहाँ भी जाते हैं तो नंबर वन पे आना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स में आएं, आप तमाम फील्ड्स के अंदर आएं, कोई फील्ड बुरी नहीं है, हमें खुद अच्छा होना चाहिए। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये हम काम करते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं औरतों के हवाले से। जी बाहर जाती हैं, शो बिज़ की सियासत करती हैं, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने चेंज हो जाता है। तो मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, औरत औरत ही होती है, चाहे बाहर काम करे चाहे घर रहे। जो बाहर काम करती है उस पर जिम्मेदारियाँ बहुत आ जाती है, और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से इसलिए हैंडल करती है कि वो दुनिया को बाहर भी जाके देख रही होती है। खैर, इसी के साथ एक बहुत ही और खूबसूरत लेडी हमारे साथ है, और उनकी वजह शौहरत भी है कि वो एंकर पर सर आवाज़ उठाती हैं। अभी अभी वो आई हैं, साइमा कवल जी हमारे साथ हैं, तो उनकी तरफ हम कैमरा करते हैं, वो बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। हाय, बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। आपको एक्सपर्ट होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताओ, हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमारे पे बड़े सवाल होते हैं, अच्छे बुरे, लोग हमारे प्रोग्राम को तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, तो किस लिहाज से फेस करती है, और क्या बताओगी जो लड़कियां अपकमिंग आ रही है उनको क्या करना चाहिए? जहाँ तक बात है कि आप कह रही है ना कि हम पे बड़े सवाल उठते हैं, अब तो हम पे जवाब भी उठना शुरू हो गए ना खुद साख्ता तौर पे। अगर वो वही सवाल करते हैं, वही जवाब दे देते हैं, हमें मौका मिलता नहीं है। अगर मौका, अब पता है क्या बात ये हो गई है, इतना भट्टी में ना हम लोग इतने ज्यादा अब जा चुके हैं, कुंदन बन चुके हैं कि ना अब इन चीजों की ना हमारे पास अब कोई, हमारी डिक्शनरी में कोई अहमियत होती नहीं। अगर किसी को कीचड़ उछालना है, उछाले, कोई मसला नहीं। कमल में ज्यादा कीचड़ उछलता है। हाँ, आपके पास सच्चाई होती है ना, और आपके पास पावर होती है सच की, और सच को बहुत चीजें फेस करनी। बिल्कुल, तो उसमें मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूंगी कि देखो, अगर आप वो वाला काम जो मैं और उज्मा कर रहे हैं, अगर आप में करेज है, तो आप आइएगा ये सोच कर कि आपके ऊपर भी कीचड़ उछल सकता है, आपको भी सवालात की
जद में आना पड़ सकता है, और सवालात भी ऐसे हो सकते हैं कि जो शायद आपको, अगर आपके अंदर हौसला नहीं है मत आइए इस लाइन में, अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तो वेलकम, आइए हमारे पास और देखिए। अच्छा, अभी मेरे को भी जैसे एक करंटली हुआ है केस, मैंने एक प्रोग्राम हाईलाइट किया है हमारी टीम में किया, मैंने कहा कि हम तो एंकर होते हैं, हमें बताया जाता है, हम जाते हैं तो हमें स्टोरी जो भी पता चलती है। अच्छा, वो सारी सही रियल थी, जब मैं गई हूँ तो सब चीजें सबूत के साथ थी, लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन लोगों को मेरा चेहरा नजर आया तो मुझे गाली, मेरा सोशल मीडिया भर दिया, उस बात का है फेक फ्रॉड दो नंबर, पैसे खाए होंगे पैसे लिए होंगे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र ऐसा है मेरे पास एक एक चीज के सबूत थे, तो मैंने सारे सबूत लगा दिए, तो वही लोग जिन्होंने मुझे गालियां दी थी आप सब सॉरी कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि घर बैठ के फोन पे बोलना आसान काम है, आप बैठ के किसी को देख के लगा ले तो जी ऐसा हो गया था वैसा हो गया। देखिए ना, हमारे मजहब भी इसको मना करता है, किरदार कशी पे मना करता है, झूठे इल्जाम पे मना करता है, बोहतान पे मना करता है। हम लोग कुरान रट्टा लगा के पढ़ते हैं, लेकिन जब उसका तर्जमा आप पढ़े तो अल्लाह ताला जो एक मोमिन मुसलमान में क्वालिटीज देता है उसमें झूठ बोलने को मना करता है, इल्ज़ाम तराशी बहतान सबसे बड़ा गुनाह करार दिया, इसी तरह गीबत से मना किया, पीठ पीछे बुराई से किया, लेकिन हम ये सब और फिर सुनी सुनाई बात पर ना हो और आप किसी के बारे में कभी बात ना करें, ना करें सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। मौला अली ने फरमाया है कि झूठ को फैलाने के लिए बस इतना ही काफी है कि आप सुनी सुनाई बात को आगे आप उसको बढ़ा दें, ये सबसे बड़ी। वुमेन डे पे मैसेज दो जल्दी से शॉर्टली। वुमेन डे पे मैं यही कहूंगी कि खवातीन बहुत ज्यादा हौसला होती है, जिस तरह वो घर को बच्चों को तमाम जिम्मेदारियों को संभालती है, जब वो काम करने निकलती है स्पेशली वर्किंग में तो उनके कांधों पर डबल जिम्मेदारी होती है, तो आप निकले हौसला ना हारे, अपने मजबूत हौसलों से आपने आगे बढ़ना है, तो यही कहेंगे कि आप ऊपर बस मैं ये कहूंगी कि अपनी जो सिमट है ना उसका तायुन करके सही जगह पे डाइवर्ट करें अपने टैलेंट को, बस इतनी बात है। रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत मैसेज आपको मिल जाएगा बेटा।